ले लो। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप और ये शिमला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश में रात को कुछ इलाकों में बारिश का सिलसिला रहा, राजधानी शिमला में भी बारिश हुई और उसके बाद आप देख सकते हैं मौसम किस तरह से सुहावना राजधानी शिमला का हो गया है। और आने वाले दिनों की अगर बात कर लें तो 2 से 3 दिन मौसम ठीक रहेगा, लेकिन उसके बाद 14 और 15 अक्टूबर को बारिश की संभावना है और इस दौरान कुछ ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर बर्फबारी भी हो सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग की तरफ से ये अनुमान लगाया गया है कि ऊंचाई वाले जो इलाके हैं वहां पर हल्की हल्की बर्फबारी हो सकती है, क्योंकि अभी भी जो कल बारिशें हुई उस दौरान जो है जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर हल्की हल्की बर्फबारी देखने को मिली है, लाहौल स्पीति और किन्नौर की अगर बात कर लें। और लेकिन अब कुल मिलाकर अब मौसम जो है वो सुहावना हो गया है। ये देखिए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रिज मैदान की, किस तरह से जो मौसम है वो सुहावना हो गया है। और ये आप देख सकते हैं रिज मैदान में खिली धूप है, हालांकि अभी भी आपको जो कॉर्नर है वहां पर बादल नजर आएंगे, ये देखिए। और अब धीरे धीरे जो पर्यटक हैं वो भी हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं, जिस तरह से मौसम सुहाना हुआ है। ये देख सकते हैं आप, देखिए सुबह आपको शिमला देख सकते हैं आप, धुला धुला सा, साफ साफ सा, स्वस्थ स्वस्थ सा लग रहा है। जो पोलन गिर रहा था उससे राहत मिली है थोड़ी, क्योंकि पोलन इन दिनों काफी गिर रहा था जिससे खांसी जुखाम की ज्यादातर शिकायतें रहती है, उससे थोड़ी राहत मिली है जिस तरह से कल बारिश हुई है। और तापमान में भी बहुत ज़्यादा गिरावट जो है इन बारिशों से आई है। 6 डिग्री तक जो तापमान है उसमें गिरावट आई है और सुबह शाम लोगों को अब जो है वो ठंड महसूस हो रही है। आप देख सकते हैं कि स्वेटर और जैकेट में अब आपको लोग नज़र आने लग गए हैं, क्योंकि सुबह शाम जो है काफ़ी ठंड जो है अब बढ़ गई है। ये देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये देखिए, तो कहीं ना कहीं जो सर्दी का मौसम है उसने अब हिमाचल प्रदेश में दस्तक दे रही है। और बरसात, हालांकि इस बार काफ़ी तबाही वाली बरसात इस बार हिमाचल प्रदेश में रही है। ये आप देख सकते हैं रिज मैदान की ये तस्वीरें हैं, खूबसूरत तस्वीरें, खूबसूरत मौसम जो है इस वक्त बहुत ही सुहावना हुआ है, जिससे तस्वीरें आप देख सकते हैं रिज मैदान की बिल्कुल साफ और स्वच्छ आपको नज़र आएगी, खिला खिला सा जो है आपको राजधानी शिमला यहाँ पर नज़र आएगा। ये आप देख सकते हैं बादल, हालांकि अभी है, आज के दिन भी हल्की
बादल रहने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। और बरसात में देखिए आपको ये जाखू की पहाड़ियाँ धुंध से ढकी हुई नजर आती थी, लेकिन अब जो मौसम है वो साफ हो गया है, बहुत सुहाना हो गया है, बिल्कुल नीला आसमान आपको नजर आएगा, पहाड़ियाँ बिल्कुल स्वच्छ और सुंदर। और यही इस शिमला के मौसम की खासियत भी है, और इसी मौसम के लिए पर्यटक भी बाहरी राज्यों से घूमने पहुँचते हैं राजधानी शिमला। अब धीरे धीरे जो पर्यटक की ऑक्यूपेंसी है, टूरिस्ट की ऑक्यूपेंसी जो शिमला या दूसरे जो पर्यटन स्थल है वहाँ पर बढ़नी शुरू हो गई है, और लोग जो है फिर से हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं, क्योंकि बरसात के नुकसान के बाद जो है अब सुखद तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से निकलकर सामने आ रही हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मौसम बहुत सुहाना है, और ये देखिए तस्वीरें, रिज मैदान की तस्वीरें, नीला आसमान आपको नजर आएगा, और यही वजह है और यही मौसम रहता है पहाड़ों का। इसी मौसम के लिए लोग पहाड़ों का रुख करते हैं, क्योंकि मैदानी इलाकों में बहुत ज़्यादा धुंध रहती है और कोहरा छाया रहता है, जिससे जो ऑक्सीजन है वो भी दूषित हो जाती है और बीमारियां पनपने का खतरा रहता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में अब मौसम जो है वो बेहद सुहाना है, और एयर क्वालिटी की अगर बात कर लें हिमाचल प्रदेश की तो वो भी बहुत बेहतर है अन्य राज्यों के मुकाबले, और यही वजह है कि पर्यटक पहाड़ों का रुख करते हैं इस मौसम के लिए, इस मौसम का आनंद उठाने के लिए। तो एक बार फिर से अपने दर्शकों बता दें, राजधानी शिमला के ब्रिज की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप। जिस तरह से रात को हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई है, राजधानी शिमला में भी बारिश हुई है, उसके बाद से मौसम जो है आप देख सकते हैं खिला खिला सा नज़र आपको आएगा। हालांकि अभी भी हल्के हल्के बादल आपको नज़र आ रहे हैं, नीला आसमान आपको नज़र आ रहा है, और जो मौसम है वो सुहाना हो गया है। हालांकि ठंड जो है अब दस्तक ठंड ने दे दी है, और 6 डिग्री तक जो तापमान है उसमें गिरावट हिमाचल प्रदेश में दर्ज की गई है, और आने वाले दिनों में भी जो ठंड है वो अब धीरे धीरे बढ़ने वाली है। मौसम विभाग की तरफ से 14 और 15 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के जो मैदानी इलाके हैं और जो मध्यम ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ पर बारिश की संभावना है, जबकि जो पहाड़ी इलाके हैं ऊपरी हिमाचल की अगर बात कर लें, जो ऊंचाई वाले इलाके हैं किन्नौर, लाहौल स्पीति, वहाँ पर जो है वो बर्फबारी की संभावना भी मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। और ये तस्वीरें आपको हम रिज मैदान की दिखा रहे हैं, शिमला के इस खूबसूरत मौसम की दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं लोग, और ख़ासतौर पर स्थानीय लोग और जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं उनके लिए ये बेहद सुखद भरा मौसम है, और लोगों को जो इन दिनों देवदार और चीड़ के जो पेड़ होते हैं उससे पोलन जो गिरता है, जिसके कारण खांसी जुकाम की शिकायत ज़्यादातर रहती है, उससे भी राहत मिली है। जिस तरह से कल बारिश हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है इन दिनों पोलन पहाड़ों में गिरता है, देवदार के घने जंगल हैं, तो ऐसे में उसके गिरने से जो है वो सर्दी खांसी जुकाम की शिकायत रहती है, गला ख़राब रहता है, ख़ासतौर पर जो एलर्जिक लोग हैं उनको जो है भारी दिक्कत होती है, लेकिन उससे अब जो है वो राहत मिली है कल जिस तरह से बारिश हुई है। और ये खूबसूरत तस्वीरें हम आपको शिमला के रिज मैदान से साझा कर रहे हैं, मौसम बेहद सुहाना हो गया है, ये देख सकते हैं आप तस्वीरें।
आज और कल हालांकि हल्के बादल रहने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। हल्के बादल रहेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब नहीं रहेगा, लेकिन 14 और 15 को बारिश की संभावना है कि हल्की फुल्की बारिश होगी हिमाचल प्रदेश में, और जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ पर हल्की बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए आपको शिमला के आरिज मैदान की इन्हीं तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं। ताज़ा तीन अपडेट के साथ फिर जुड़ेंगे, आप बने रहें पंजाब के हिमाचल के साथ।